गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामबाबू आपका डीजे सर क्लासेस के मंच पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और मैं आपको जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा था डीजे सर क्लासेस के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइस के बारे में बात कर रहे थे। और डाइस एक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके मार्क्स तो आपको मुफ्त में प्राप्त होते हैं, पर आप इसको अच्छे से समझेंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपका जीवन एक ऐसी शैली से गुजरेंगे जिसके अंदर आपको डाइस, सांप सीढ़ी जैसे यंत्रों का उपयोग भी करना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इसको अच्छे से सीखना है आपको। कि जैसे यहाँ पे ये खुला हुआ है, मैंने इसके कंसेप्ट भी आपको बीच बीच में बताए थे कि मैंने एक कंसेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें वो इतना अच्छा है कि आप उसको एक ही बार करेंगे तो एक ही बार में आप समझ लेंगे अच्छे से। जैसे ही आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो डाइस होते हैं, वो डाइस में पहली बात ये होती है कि इसमें क्लोज डाइस होते हैं, एक तो क्लोज डाइस होते हैं, दूसरा होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस, डाइस दो प्रकार में क्वेश्चंस होते हैं डाइस के, एक तो होता है क्लोज डाइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा पूछा जाता है ओपन डाइस के। क्लोज डाइस हम पढ़ चुके हैं, उसके कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है उसके दोस्तों, बहुत मुफ्त के नंबर मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डाइस होते क्या है। देखो दोस्तों, एक तो क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, पहली बात तो है कि आप क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देख के सोल्व कर ले, आपको पता ही नहीं इसकी थ्योरी क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, ऐसी चीजें अगर आपको पता नहीं तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करना आसान, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, बहुत अलग ही प्रकार के आ जाते हैं क्वेश्चंस। आपको दिखने में डाइस दिखेगा, ओपन दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा, बट उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके लिए आपको ये जरूरी होता है दोस्तों कि आप इसकी थ्योरी समझे, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। जब आप इसके अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे तो डेफिनेट है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। तो मैं बताना चाह रहा था दोस्तों आपको कि इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि क्लोज डाइस और ओपन डाइस, यानी क्लोज डाइस तो जो आपको दिखाई देते हैं, ये ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं ये देखो इस प्रकार से जो बने हुए हैं इसको बोलते हैं क्लोज डाइस। अभी तो ये क्यूब है, अभी डाइस भी नहीं बना अच्छे से। डाइस कब बनेगा? जब इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होंगे। पहले बोला था आपको घन क्या होता है, ये घन ऐसा होता है इस प्रकार, जिसमें 6 फेस होती है, ये लिखा हुआ है घन में 6 फेस होती है, 6 फेस होती है उसको घन बोलते हैं। अब इन फेस के ऊपर अगर कोई नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 ABCD क ख ग कुछ भी लिखा होता है तो इसको बोलेंगे डाइस बोलेंगे फिर। तो ये एक डाइस है। अब एक ऐसे डिब्बा जैसा बना हुआ है, देखिए आप दोस्तों एक डिब्बा बना हुआ है, तो ये जो डिब्बा बना हुआ है दोस्तों, तो ये जो डिब्बा है ये बंद है, डिब्बा है तो ये बंद डिब्बा हो गया, तो जो बंद डिब्बा होता है इसको बोलते हैं क्लोज डाइस, अंडरस्टैंड। अब अगर इसी डिब्बे को खोलने में ऐसे लंबा कर दिया जाए, ऐसे खोल दिया जाए इसको दोस्तों, समझ रहे हैं आप, ऐसे खोल दिया जाए, ऐसे लंबा कर दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन हो गया ना, ओपन हो गया तो ये ऐसे ओपन डाइस हो गया है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ऐसे खुल गया है। अब इसने ऐसे खोल लिया, इसको पता नहीं अलग अलग जैसे डिब्बा होता है, खोखे होते हैं, खोखे को अगर हम खोल देते हैं, अब बच्चे होते हैं कोई ऐसे खोलता है कोई कैसे खोलता है, तो उसी प्रकार से अगर इसको ऐसे खोला है तो ये ओपन डाइस हो गया। तो क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जाता है, ओपन डाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लोज डाइस के बारे में क्वेश्चन होता है। तो क्लोज डाइस के क्वेश्चंस तो दोस्तों मैंने आपको बताया पहले ही, हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसके 5-10 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हमने, इसके कंसेप्ट के साथ साथ इसको भी सीखा है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन डाइस पढ़ा है और क्लोज डाइस के बारे में, क्लोज डाइस तो पढ़ चुके हैं और अब ओपन डाइस की बारी है। तो ओपन डाइस के भी 1-2 क्वेश्चन तो हमने किए हैं, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, अब हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये इस प्रकार से है, ये जो डाइस है ये ओपन डाइस है, तो ये ओपन डाइस दिया हुआ है और उसने क्वेश्चंस पूछा है कि
कि इस ओपन डाइस को अगर हम वापस बंद करते हैं, ओपन डाइस को अगर हम बंद कर देते हैं तो दोस्तों फिर ये क्या बनेगा? अब ये जो बनेगा ओ डाइस ही बनेगा, क्या बनेगा? डाइस में छह फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस इसमें दिए हुए हैं। अब इस प्रकार से बनेगा, पर ये नहीं कह रहा है कि इनमें से कौन सा बनेगा। बताया तो हुआ है लेकिन कहा है कि इनमें से कौन सा बनेगा, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बनने वाला है। दोस्तों यहां से देखिए, अब मैंने इसको पहले सोल्व करके बताया था कि इसमें अपोजिट क्या होते हैं। हमेशा डाइस के अंदर अपोजिट फेस के बारे में बात की जाती है, अपोजिट फेस के बारे में इसमें बात की जाती है। और दूसरा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और पूछा जाता है, लेकिन अपोजिट फेस के बारे में ही बात होती है लगभग। इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, 3 इधर फेस है 3 इधर है, कुल मिला के 6 फेस हो गए। अब इसके अंदर ये वाला फेस इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता, ये वाला फेस इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि ये तो इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, न कि अपोजिट है। तो पड़ोसी कभी भी अपोजिट नहीं होता है। सो दैट इसको नेक्स्ट देखते हैं अपने इसमें कि इसका अपोजिट कौन हो सकता है। तो दोस्तों अपोजिट हमेशा पास में नहीं होता है, इसका अपोजिट फेस ये हो गया। यानी ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का अपोजिट फेस इक्वल टू हो गया, ये इक्वल त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अपोजिट फेस इक्वल हुआ। और अब देखते हैं इसका अपोजिट, देखते हैं इसका अपोजिट कौन हो गया, माइनस हो गया, प्लस का अपोजिट माइनस हुआ। और बचा कौन हमारे पास, ये वाला इनटू, यानी इस बीच वाले का अपोजिट बीच वाला ही हुआ, यानी कि इनटू का अपोजिट प्लस हुआ। अब हम देखेंगे कि या तो हमारे पास इनमें से कौन से डाइस के अंदर इन तीनों में से अवेलेबल है या इन तीनों में से अवेलेबल है। तो यहां पे देखिए आप, इसमें बात चिन्ह है, क्या ये बात चिन्ह लिखा हुआ है? ये बात चिन्ह है भैया, दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बात चिन्ह है। तो बात चिन्ह, बात चिन्ह का अपोजिट माइनस है, ये मैंने प्लस लिख दिया था, ये बात चिन्ह है यहाँ पे, ये वाला, इस बात चिन्ह का अपोजिट माइनस है, ऐसे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब देखिए कि ऐसा किस डाइस में है, त्रिभुज इसमें आया हुआ है, बात चिन्ह भी इसमें आया हुआ है, त्रिभुज आया है, बात चिन्ह आया है, लेकिन इनटू लिखा हुआ है और इसके अंदर इनटू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। तो अगर आपको यहाँ पे बात चिन्ह की जरूरत है तो आप इसको बात चिन्ह को यहाँ पे ले सकते हैं, डिवाइड साइन को यहाँ पे ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर देख लीजिए आप, बरोबर है, बाघ चिन्ह इधर का चाहे तो हम इधर ले सकते हैं, बाघ चिन्ह भी है इसमें, लेकिन इसमें इक्वल इक्वल, ये देखिए कोई भी एक दो चीजें एक साथ नहीं आ सकती है इसमें। देखिए ये बाघ चिन्ह इधर है हमारे पास और ये त्रिभुज हमारे पास है और यहाँ बरोबर है, लेकिन यहाँ पे बरोबर की जगह कुछ भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता हमारे पास। इसमें देखिए, इसमें प्लस आ रहा है, बाघ चिन्ह आ रहा है आपके, बाघ चिन्ह आ रहा है, प्लस आ रहा है, लेकिन इनटू इसके अंदर, प्लस और इनटू दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे पास पास आ रहे हैं, प्लस इनटू ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए त्रिभुज आ रहा है, इनटू आ रहा है और बाघ चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही है। देखो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीन पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए पासों का प्रसारित रूप, यानी ये भी कौन सा डाइस है, ओपन डाइस है। ये डाइस ऐसे बना हुआ था,
इस डाइस को उसने ऐसे ऐसे करके फैला दिया पूरा, तो ये जो फैला हुआ है वो देख लीजिए आप ओपन डाइस से, बिल्कुल ओपन डाइस में। अब आपको एक बात बताते हैं कि जब इस प्रकार के भाग है डाइस के जो ऊपर वाले हैं, ये जो ब्लैक दिखे है, ये ब्लैक हमारे यहाँ से हाथों में, ये यहाँ से ब्लैक ऐसे बना हुआ है। अब ऐसे ओपन कर रखा उसने ऐसे इसको, तो भैया इसको जब हम वापस जोड़ेंगे और वापस जोड़ के ऐसे करेंगे तो दोस्तों ये ऐसे बनेंगे, तो ये ब्लैक ऐसे आ जाएंगे, दिखने में ऐसे दिखेंगे ये दोनों ब्लैक वाले जो पार्ट्स है ये दोनों तरह के, वो ऐसे दिखेंगे आपको। तो इस प्रकार से पहली बात ये हो जाएगी इसमें कि जब ये ब्लैक है, ये ब्लैक आपको कैसे दिखेंगे, देखिए आप ये देखिए आप, अब जब इसको हम ऐसे करेंगे ऊपर से ये वाले इसको ऐसे से ऐसे लाए ऐसे जोड़ेंगे, तो ये जो ब्लैक वाले हैं ऐसे हो जाएंगे, ये ब्लैक वाले आपको ऐसे ऐसे दिखाई देना शुरू कर देंगे, ये ब्लैक वाले ऐसे दिखेंगे आप। अब ये वाले वाइट है, ये वाइट वाले जब ब्लैक वालों को ऐसे जोड़ा तो व्हाइट वाले बिल्कुल ऐसे जुड़ेंगे, तो ये व्हाइट वाले ऐसे आ जाएंगे। अब इसको देख के उसने बोला मोड़ कर पासे के रूप में परिवर्तित किया तो कौन सा पासा बन सकता है दोस्तों, तो इनमें से ऐसा तो बनेगा ही नहीं, देखिए आप ऐसा भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है अपने को, तो ये दो ऐसे बनेंगे तो ऐसे दिखेंगे दोस्तों आपको, तो इनमें से कौन सा वाला है अपने आप ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसा स्क्रीन किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसलिए ये वाला डाइस इसका सही आंसर है। दोस्तों बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, और बैंक एसएससी रेलवे तो इनमें तो ये रीजनिंग जान होती है, रीड की हड्डी होती है, जब आप अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से मार्क्स लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स में साइंस में, इनमें अच्छा करके लेके आ रहे हैं मार्क्स, तो दोस्तों जब अगर आपने इसको अच्छा किया है रीजनिंग को, जब आप रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को अच्छा करते हैं तो आप नहीं मानेंगे दोस्तों लेकिन चार चांद लग जाएंगे आपके कंपटीशन में, और आपका कंपटीशन इतना इजीली आप फाइट कर लेंगे उसको कि, और अच्छे मेरिट से पास करेंगे, और मेरिट आना तो जरूरी होता है दोस्तों, तो मेरिट बनाने के लिए आपका जो रीजनिंग है ये मेरिट को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर तक ले जाने वाला काम करने वाला है, इसलिए इसको लाइट ना लेवें, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, और मैं आपको क्लास में यहीं पर आपको बिल्कुल हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ के उत्तर आंसर देने को तैयार हूं मैं आपको, पर दोस्तों मुझे पता होना चाहिए, और एक लाइक तो बनता है मेरी क्लास में, मैं आपको बिल्कुल एक एडवांस तरीके से पढ़ाता हूं और बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूं, इतना जल्दी भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, मेरी क्लास को इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं आप, और बिल्कुल एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, अच्छा या बुरा जो भी है, जैसा आपको अच्छा लगता है, अच्छी क्लास लगती है तो लाइक करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें और पूछें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल आपको बताने को तैयार रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जिसके अंदर ये बना हुआ है इस प्रकार का ओपन डाइस, ये भी कौन सा डाइस है दोस्तों, ये ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस से बोल रहा है कि जब ओपन डाइस दिया गया हो तो इससे कौन सा क्लोज डाइस बनेगा, तो इसके लिए वापस वही करेंगे, इसमें देखिए कि इस प्रकार की जो सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले बाहर वालों को देख लीजिए कि जो बाहर बने हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस प्रकार से जो बाहर बने होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इस प्रकार का ये इसका अपोजिट हो गया, इसके बाद ये वाला इसका अपोजिट हो गया, और ये वाला इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसमें ऐसा बना हुआ है ऐसे दोस्तों, इसको देखिए आप, ये वाला इस वाले का अपोजिट हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो टेंशन नहीं, अपोजिट हो गए तो होने दीजिए, समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, फिर ये वाला ऊपर वाला ये जो गोला है चक्री है
ये वाली चक्री इसके अपोजिट हुई, दूसरी वाली चक्री के अपोजिट हो गई, ये दूसरी वाली चक्री के अपोजिट हुई, इसके बाद इस वाले ऐसा बना हुआ है, देखिए आप ये नाम तो पता नहीं क्या बना हुआ है, ये इसका अपोजिट हो गए, सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसा कौन सा डाइस है जिसके अंदर ये तीनों चीजें उपलब्ध है, देखिए कौन सा डाइस है जिसके अंदर ये तीनों चीजें उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, अब ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये तो है हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों फिरकियां एक साथ आ गई, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों, ये तो पड़ोसी है दोस्तों, ये पड़ोसी है इसमें, और यहाँ पे ये दोनों क्या है अपोजिट है, यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे दोनों क्या है पड़ोसी है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे देखिए आप इसके अंदर, इसके अंदर देखिए आप बिल्कुल देखिए क्या, यहाँ पे भी ये दोनों देखिए, ये एक दूसरे के क्या है पड़ोसी है, और यहाँ एक दूसरे के कौन है ये अपोजिट है, इसलिए भी कैंसिल है, बचा ये, यही हमारा सही आंसर है। बहुत इजी है, बहुत मस्त क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नीचे दिए गए पासे को दो स्थिति में, अब यहाँ पे कौन सा पासा आया दोस्तों, यहाँ देखिए अब आया क्लोज, क्लोज डाइस, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे ओपन डाइस के, ओपन से क्लोज बना रहे थे, अब कौन आ गया हमारे पास, क्लोज ही आया, क्लोज से सुल करना है। यहाँ पे ऐसे फोटो बने हुए हैं और ये कहता है जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर है तो नीचे कौन सी शक्ल होगी, यानी कि कहने का मतलब ये जो दिल, ये दिल का मामला है भाई, ये देखिए यहाँ पे दिल, उसने पूछा दिल का अपोजिट कौन है, ये जो दिल बना हुआ है दिल का अपोजिट कौन सा है, किडनी, दिल का अपोजिट कौन सा है किडनी, तो इसमें देख के बताना है दोस्तों, किडनी हार्ट वर्ट ऐसे नहीं है ना, इसको तो देखना है और फिर बता दिल का अपोजिट किडनी कैसे हो गया, किडनी कहाँ है यहाँ पे, किसी में से देखना है अपने को, ऐसे कमेंट नहीं, देखो आप, अब देखते हैं इसको। तो दोस्तों अपने अपोजिट कैसे देखते थे, कॉमन को देखते थे भाई, इसमें इसका पूछा तो इसमें कोई कॉमन मिलता है तो उस कॉमन को देख लेते, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कोई कॉमन है, यानी कि जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों, ये जो फेस है ये और ये, इस इन दोनों का इधर मिलना जरूरी होता है, तो इसमें ये तो मिला हुआ है लेकिन ये वाला जो ब्लैक स्पॉट है वो इसमें नहीं है, इसलिए कॉमन फेस नहीं है इसमें। जब कॉमन फेस नहीं होती है तो फिर हम कोई एक फेस ऐसी मिलती है हमें जो कॉमन होती है, दो फेस कॉमन नहीं होती है, उनके अंदर एक फेस ऐसी होती है जो कॉमन होती है, उस कॉमन फेस को हमें देखना होता है। तो उस कॉमन फेस को देखने के लिए जैसे ये जो स्टार बना हुआ है सुपर स्टार, ये सुपर स्टार कॉमन है दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन होता है वहीं से हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन देखते हैं, यहीं से हम क्या देखेंगे क्लॉक वाइज देखेंगे। तो दोस्तों देखो जैसे स्टार है तो इस स्टार का क्लॉक वाइज देखा हमने तो पहले क्या आया गोला आया, फिर क्या आया इस प्रकार से ये स्क्वायर आया, ठीक है, इसी तरह इधर भी देखिए आप इस वाले स्टार का, इसका अपोजिट देखते हैं यहाँ से इस एंटी में चलते क्लॉक वाइज चलते सॉरी इसको, तो पहले आया हमारे पास वो ब्लैक स्पॉट आया, ऐसा पूरा ब्लैक है ऐसा आया, उसके बाद कौन आया दिल, उसके बाद क्या आया दोस्तों दिल आया, देखिए ये वाला दिल आया, ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आराम से सीख सकते हो दोस्तों तुम, देखो ये दिल आया, डिजिटल हो रहा है दिल थोड़ा, कोई बात नहीं चलेगा, चलो अब ये अब देखिए यहाँ पे ये वाला दोस्तों इसके अपोजिट है और ये वाला इसके अपोजिट है, अब पता लगा सकते हो कि दिल का अपोजिट कौन है, ये वाला इसका अपोजिट है, तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन डी, सही ऑप्शन कौन सा हमारे पास
डी ऑप्शन है। समझ में आया न्याय दोस्तों? मैंने पहले स्टार्टिंग में पहला कंसेप्ट बताया था कि जब दो डाइस दिए गए हो तो उसमें कॉमन भुजा देखते हैं, तब अपोजिट डाइस अपोजिट फेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी उसने यही बोला है कि एक पासे में दो स्थितियां दिखाई गई है जिसके अंदर दिल की, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर है तो नीचे क्या होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है इन लाइनों को स्पेशली ध्यान में नहीं देखे हम, ये देखेंगे कि हमें कैलकुलेट तो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों अपोजिट फेस कैलकुलेट करना रहता है यहाँ पे। तो हमें अपोजिट फेस कैलकुलेट करने के लिए ये देखना होगा कि इसका अपोजिट क्या है, तो ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, ठीक है। और ये जो स्टार है इस स्टार के सभी अपोजिट है, चारों अपोजिट स्टार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक गन के चार दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित है, चित्र तीन में स्पॉट चिन्ह वाले फ्लक्स के सामने वाले फ्लक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। कोई बात नहीं, ये फिगर दिए हुए चार फिगर है, चार फिगर में उसने बोल दिया कि जो स्पॉट बना हुआ है ऐसे, इसका अपोजिट कैलकुलेट करना है आपको, इसका अपोजिट कैलकुलेट करना है आपको, इसका अपोजिट कैलकुलेट करना है दोस्तों। देख लीजिए अब, तो आपको ये देखना है इसमें से कि मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसको तो छोड़ देता हूं मैं, इसके बारे में बात चल रही है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अब आपके पास ये और ये लिखा हुआ है, तो इसको छोड़िए आप, कैंसिल कीजिए। अब आपको ये जो आपने कैंसिल किया है इन चारों में से किसके पास अवेलेबल है वो देखिए आप, चारों में से ये दोनों चीज किसके पास अवेलेबल है, अंडरस्टैंड। अब इसमें देखिए कि इन चारों में से ये आयत है और ये त्रिभुज है, तो यहीं पर अवेलेबल हो गई ये वाली, ये कॉमन पेस यहीं पे मिल गया हमें। हम चाहते तो इधर भी अवेलेबल है, लेकिन ये और ये दोनों तो क्वेश्चन ही है, ये दोनों ही एक ही चीज है। ये देखिए आप, ये और ये दोनों एक ही है, अगर आप इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं तो भी यही स्पॉट ही कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पे इसमें से हमें ये देखना है कि मैंने ये ले लिया, मैं चाहता तो ये भी ले सकता था, लेकिन इसको ले हो या इसको ले हो बात बराबर ही है दोस्तों, इसलिए हमने इसको लिया और इसको लेके और फिर हमने ये यहाँ पे देखिए कॉमन फेस निकाला इसका। तो जब कॉमन फेस निकाला तो हमारे पास एक बच गया, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हुआ दोस्तों। तो इस वाली जो फिगर है, इस वाली फिगर का अपोजिट फिगर कौन सा हुआ हमारे पास, ये इस प्रकार का ये, तो हमारा आंसर भी यही हुआ, इसका अपोजिट फिगर ये है, तो ये हमारा आंसर है। इसलिए सही आंसर क्या है दोस्तों, सी, हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, समझ में आया ना दोस्तों, कुछ भी नहीं करने का, क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देखने का है और अच्छे से समझने का है, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इस बार अब पिरामिड तैयार है, हमारे डाइस जमे हुए हैं, ऐसी आकृति कई बार देखने को मिलती है दोस्तों आपको, कई बार जैसे ट्रांसफर कंपनियां होती है जहाँ पे वहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के जो बने होते हैं डाइस के आकार के जो खोखे होते हैं उनमें कोई टीवी को खोखे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन खोखों को जमा दिया जाए तो इस प्रकार के पिरामिड तैयार हो जाता है। अब उसने बोला कि बताइए भाई इसमें कितने डाइस है, आपसे पूछ लिया उसने कि दोस्तों बताइए इसके अंदर कितने डाइस है, ऐसे बिल्कुल फिल्म स्टाइल में कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे इस प्रकार से इसको क्या है, क्या पूछा, कितने डाइस है भाई,
कितने डाई से, तो पता करेंगे कितने डाई से गिनने गिनने में दिखने में भी दिख रहा है, पर जो दिखाई देता है आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो कभी सही नहीं होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे तभी सही आएगा आंसर इसका। इसमें पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी लाइन बनी हुई है दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच, कितनी लाइन बनी हुई है एक बार देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइनें बनी हुई है डाइस की, पांच लाइनों में डाइस जमे हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहली वाली जो लाइन है नीचे वाली, इस पहली वाली जो लाइन है नीचे की दोस्तों, ये पहली लाइन जो है, इस पहली लाइन में कितने डाइस जमे हुए हैं, एक दो तीन चार पांच, पहली लाइन में पांच डाइस जमे हुए हैं, तो पांच एकम पांच। दूसरी लाइन में एक दो तीन चार, दूसरी लाइन दोस्तों ये दूसरी लाइन में चार ही जुड़े हुए हैं, इसलिए चार दुनी आठ। तीसरी लाइन की बात करेंगे, पहली दूसरी और ये तीसरी, जो मैं नंबर डाल रहा हूं दोस्तों, एक दो तीन, ये लाइनों की संख्या है एक दो तीन। तीसरी लाइन में कितने हैं ये देखिए, एक दो तीन, तीसरी लाइन में तीन ही है, तो तीन दिया नौ। फिर चौथी लाइन की बात चलेगी, तो चौथी लाइन में कितने हैं, दो, चार दुनी आठ, और पांचवी लाइन है, तो पांचवी लाइन में एक ही जमा हुआ है दोस्तों, तो पांच एकम पांच। इनको ऐड कर लीजिए, टोटल अपने आप ही नंबर्स आ जाएंगे। कैसे करेंगे, पांच पांच दस, आठ अठारह उन्नीस बीस और छब्बीस, 35 हो गए दोस्तों, हो गए 35 हो गए, एक बार फिर ऐड कर लेना इसको, 35 ही हुए ना, ये ज्यादा हो गए। पैंतीस आंसर आ गया इसका, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी वे में क्वेश्चन से, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग पर लोड लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही करेंगे। आपको ये देखना है कि पहली लाइन है उसमें कितने डाइस है उससे मल्टीप्लाई करो, सेकंड लाइन में कौन सी लाइन सेकंड है उसमें कितने डाइस पड़े हुए हैं उन डाइस से उसको मल्टीप्लाई करो। दोस्तों अपने आप ही आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे और सबको ऐड कर लेंगे, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो दोस्तों अगर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार, ये जो आपको दिया हुआ पिरामिड है इसके अंदर तीसरी लाइन में कितने डाइस होंगे, तो दोस्तों तीसरी लाइन में दिखने में, अब कई सारे स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं ऐसे ही गिन लेते हैं कि एक दो, तीसरी लाइन में एक दो तीन, जिसने एक दो तीन बोला उसका ऑप्शन भी अवेलेबल रहता उसके अंदर, तो वो तीन गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो मैंने कहा था जो आंखों देखी बात होती है कभी सही नहीं होती है, इसलिए उसको अच्छे से चिंतन करें कि जो क्या है हमें क्या जवाब देना है, उसको अच्छे से सोच समझ के ही जवाब देवे। तो यहाँ पे तीसरी लाइन में हमारे पास डाइसों की संख्या कितनी है, नौ है, लेकिन हमें दिखाई कितने दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं दोस्तों, है ना, तो गलती हो सकती है ना। मैंने बोला था कि आंखों देखी पे विश्वास नहीं करें, उस पर चिंतन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देखो दोस्तों अब इस प्रकार का नया क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इसकी फोटो दिखाई दे रही है, फोटो को याद रखें इसको दोस्तों, बना बुनाया आएगा एग्जाम में फोटो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे लिखा हुआ है, दी गई स्थिति में कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल घनों की, क्योंकि घन की बात चल रही दोस्तों, यहाँ पे डाइस नहीं है, ये डाइस नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं, मैंने बोला था जिसपे नंबर लिखे रहते हैं डाइस होते हैं, हमारे पास तो क्या है ये, अभी तो एक सिंपल से गन दिखाई दे रहे हैं हमें जिसमें छह फेस है। अब बोला छह कहाँ दिख रही सर, एक ही दिख रही, तो बेटा पीछे रखा हुआ है
बाकी के इससे हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं। वही बात आती है इसमें वापस, आंखों देखी बात पे विश्वास नहीं करें, चिंतन जरूर करना पड़ेगा, और चिंतन करोगे तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करें, क्या तुमने कर लिया? कौन कितना आंसर आया, कितना आंसर आया? अच्छा, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन और पांचवी लाइन। अब आप देख लीजिए इसमें, पहली लाइन का स्क्वायर, दूसरी लाइन का भी स्क्वायर, तीसरी लाइन का स्क्वायर, चौथी लाइन का फिर स्क्वायर और पांचवी लाइन का फिर स्क्वायर। समझ में आया? पांचवी लाइन यानी पांच लाइन में एक दो तीन चार पांच, पांच है तो पांच का स्क्वायर, चार है तो चार का स्क्वायर, इसमें जितने हैं उसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, इनको टोटल कर लेंगे। स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना यार, टोटल करने से पहले तो हो गया 25, इसका 16, इसके 9, इसके 0 4 और इसका 0 1। अब टोटल कर लेते हैं, 9 10 14 और 20, 25 के 5 हंसी लगे, 2 और इधर 5, कितना आए टोटल? 55। हमारा सही आंसर क्या आया? 55। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत इजी से कर सकते हो आप। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो देखिए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी डाइस में आपको। डाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है ये, जाते जाते आपको मुफ्त में नंबर दे के जाएगा और इसके क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से आएंगे। देखिए अगर क्वेश्चंस एक बार फिर पिरामिड आ गया हमारे पास, वैसा ही अभी हाल हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, एक दूसरे पे गन जमे हुए हैं, वापस कोई टेंशन नहीं है, वापस क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे फटाफट। कितनी रो में जमे हुए हैं देखिए आप, एक दो तीन चार लाइन में जमे हुए हैं, चार लाइन में जमे हुए हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। पहली लाइन के अंदर आपके पास कितने हैं? एक दो तीन चार, चार से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी में तीन है जो तीन से करेंगे, इसको दो से करेंगे और इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते चलेंगे, चार एकम चार, तीन दूनी छ, फिर तीन दूनी छ, फिर चार एकम चार, टोटल कितना हो गया? तीन चार दस, 10 और 20, आंसर कितना आ गया हमारा? 20। हमारे आंसर कितना आए? 20 आए दोस्तों। बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बचे ही नहीं हैं जिनको हम सोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं इसको। मैंने सब टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ दोस्तों आपको, और आप अच्छे से समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ क्वेश्चंस के बारे में, एक छोटा सा क्वेश्चंस था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है और उसके बारे में, वो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत लेंदी भी हो सकता है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, आप समझना उसको अच्छे से। क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना।
क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से ऐसा फिगर बना हुआ है दोस्त। में साइन बने हुए हैं, ये डॉलर है, को डॉलर बोलते हैं, इधर साइन बने हुए हैं, इसमें त्रिभुज है, ये साई है और बने हुए, इसकी साइन लिखता हूँ मैं ऐसे ही, ऐसे बना हुआ है, ये गोला है, ठीक है, माइनस ये इनटू और ये भाग चिन्ह, ये प्लस, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पे जो मैंने बनाया है। कई बार ऐसा क्वेश्चंस आता है, और अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो हम निश्चित रूप से इसको गलत करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर उसने पूछ लिया, क्वेश्चंस के अंदर उसने पूछा, ये क्वेश्चन से उसने पूछा कि डॉलर का विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। दिया हुआ है ये डॉलर है, ये साइन जो है ये डॉलर का है, यहां पे लिखा हुआ है कि इस डॉलर का विपरीत फलक क्या होगा या एस क्या होगा इसमें। तो दोस्तों अब आपको इसमें बताता हूं मैं, एक दूसरे के बारे में इसमें अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि ये वाला किसका अपोजिट है और ये वाला किसका अपोजिट है, यानी कि ये जो सार्थक बना हुआ है स्वास्तिक, ये स्वास्तिक अपोजिट है ओ का, और ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये साई का, इसको साई बोलते हैं दोस्तों, साई का अपोजिट है, इसका अपोजिट है, ये दोनों आपस में। अब बचा ये हमारे पास जो डॉलर है, ये डॉलर जो बचा हुआ है इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों। देखिए आप, बिल्कुल, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यार आपस में ये फेस इसकी अपोजिट हो गई, ये वाली फेस इसकी अपोजिट हो गई, अब बचा यार ये बीच वाला, ये इसका अपोजिट कौन होगा। तो दोस्तों आप ये देखिए कि मैंने आपको ये पहले तो इस बात को ध्यान से देखिए कि ये जो बना हुआ फिगर है ये है क्या, ये जो बना हुआ फिगर है ये अपोजिट ये क्या है, ये ओपन डाइस है, ये कौन सा डाइस है दोस्तों, ओपन डाइस, ये जो बना हुआ फिगर है ये ओपन डाइस है। और ओपन डाइस को देखिए आप, ये जो ओपन डाइस को जब हम क्लोज करेंगे दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इस वाली इन दोनों फेस को हम ऐसे करेंगे, इन दोनों फेस को ऐसे खड़ा करेंगे, ये साइड वाली फेस को हम ऐसे खड़ा करेंगे, ऐसे दोनों ऐसे खड़ी हो जाएगी, तो एक जैसे ऐसे लंबा सा डिब्बा जैसा बनेगा, ये एक लंबा सा डिब्बा बना। तो दोस्तों ये जो कान दिखाई दे रहे हैं, ये जो कान है आपके, ये बाहर वाले जो कान है, ये कान ऐसे खड़े हो जाएंगे ऊपर, इधर भी नहीं हो जाएंगे, इधर भी नहीं, ऐसे कान खड़े हो जाएंगे। तो जब कान खड़े हो रहे हैं इसके, तो फिर इन कान को भी तो नीचा करना पड़ेगा, ऐसे डिब्बे से ऐसे न्यू करना पड़ेगा इसको। जब ये कान ऐसे हो जाएंगे इसके, तो ऐसे कान बनेंगे न्यू, और इधर वालों के भी न्यू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सारे कान ये जो साइड में है ये चारों मिल जाएंगे। अब चारों मिलेंगे ना, तो ऐसी आकृति बन जाएगी, चारों को मिलते से ऐसे बनेंगे चारों,
ये दोनों मिलके तो ऐसे हो गए आमने सामने के, यानी कि प्लस इनटू ये साइड वाले, ये मिले तो क्या हो गया माइनस बातचीत, यानी कि डॉलर का अपोजिट फेस ये पूरा ही आए, ये पूरा ही इसका अपोजिट फेस हो गया। ये डॉलर का चौकू डब्बा ऐसा है, बीच वाला इसका अपोजिट फेस क्या हो गए, ये चारों ही इसके अपोजिट फेस है। अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको करना आपको अच्छे से आना चाहिए और आप करेंगे इसको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से। इसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, आप समझ पाएंगे इसको दोस्तों। क्वेश्चन से ऐसे ही जो अभी हमने किया है, ये भी ओपन डाइस के क्वेश्चन से, बीच बीच में इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए हम प्रकार से बने हुए, बीच में साई दी हुई है, इधर गोला है, इधर फिर बना हुआ है, फिर ये माइनस इन, देखते हैं इसको। इसके बाद ये डॉलर, यहाँ पे डॉलर, इस बार डॉलर इधर आया है और यहाँ पे सार्थक बना हुआ है। ऊपर प्लस वाले ऐसे बना हुआ है, तो इसके अंदर वही क्वेश्चंस पूछा फिर उसने। क्वेश्चंस क्वेश्चंस सर, देखिए सर सब बिल्कुल बच्चे, फिगर को देखिए आप कितना अच्छा बना हुआ है इसका, और क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें कि इसमें कोई ना कोई एक दूसरे के अपोजिट है, बट सब इसमें एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, बट इसके अंदर एक ही ऐसा है जिसका अपोजिट आपको निकालना है, वो चीज है इसमें साई। ये जो साई बीच में दी हुई है, इसका अपोजिट क्या है, क्वेश्चन से साई का अपोजिट क्या है, अपोजिट फेस क्या है, ये क्वेश्चन से हमारा। तो दोस्तों वापस वही बात आती है कि इसके अंदर ये इसका अपोजिट हो गया और ये वाला इसका अपोजिट हो गया, दिख रहा आपको, ये बार वाला इसका अपोजिट है, इस डॉलर का अपोजिट ये नहीं हो सकता और इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पड़ोसी है, पड़ोसी कभी भी साथ साथ नहीं, सुनो मेरी बात, अपोजिट फेस कभी भी साथ साथ नहीं होती है, पड़ोसी फेस ही साथ साथ होती है। तो इसके अंदर ये वाला इसका पड़ोसी है, ये वाला इसका पड़ोसी है, और इस वाले का अपोजिट ये वाला होगा, क्योंकि ये तो पड़ोसी है, पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होता है। तो अब हमारे पास ये जो बना हुआ है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का अपोजिट ओ, और डॉलर का अपोजिट, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्थक बना हुआ है, जो बना हुआ है ये इसका अपोजिट, देखो सार्थक भी उल्टा बन गया दोस्तों, ये सार्थक इसका अपोजिट हो गया, स्वास्तिक है। अब उसने पूछा है कि ये जो आपको साई दिया हुआ है, इस साई का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे जो साई दिया हुआ है उस साई का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों ये जो इसको वापस हम क्लोज करने जा रहे हैं, ओपन डाइस को हम वापस क्लोज करने जाएंगे न्यू, तो ये जो ऊपर ऊपर जो ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वाले भाग इस प्रकार से मिलेंगे ऊपर आके, ये ऐसे था तो ऐसे मिल गए, ये देखो ऐसे एक दूसरे के ऊपर साथ ऐसे मिल गए, तो ये जब मिलेंगे तो ऐसी आकृति बनाएंगे दोस्तों वापस,
ऐसे मिल गए और मिलके आकृति बनाई, तो इक्वल और प्लस, ये इक्वल टू, ये प्लस है और ये इक्वल टू हो गया, और ये इनटू और ये माइनस हो गया दोस्तों, तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी इस साई वाली फेस के अपोजिट फेस, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कैसे होगी मैं समझ नहीं सकता हूँ इस चीज़ को, कि इतना अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, कहीं से कहीं तक कोई भी चांसेस नहीं है इसमें जो आप नहीं समझ सकते। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको और अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। आप और क्वेश्चन लेके आइए मेरे पास, और क्वेश्चंस होते हैं तो आप ये कीजिए और मुझे बताएंगे, तभी तो मुझे पता लगेगा दोस्तों, बिना बताए तो कैसे पता लगेगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन थे, मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन करवाए और उनको समझाने की कोशिश भी की। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा आपको समझ में आता है, तो दोस्तों मेरे को निश्चित रूप से एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरे डिजिटल क्लासेस ऐप्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी इस क्लास को मुफ्त पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और भी कोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास, अगर आप चाहे तो वो भी अच्छे से समझ सकते हैं। एडवांस रीजनिंग क्लास पढ़ सकते हैं आप, मैथमेटिक्स हमारी अच्छी क्लासेस चलती है यहाँ पे, डीजे सर क्लासेस के मंच पे टेक्निकल चलता है, टेक्निकल बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर, वो भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हर चीज़ इस मंच पे अवेलेबल हो जाएगी, सिर्फ कमी रहेगी तो आपकी, आप अगर अच्छे से इसको हैंडल करते हैं, पढ़ते हैं, तो अब की बार निश्चित रूप से रेलवे में आपका सिलेक्शन होगा, ये अपनी गारंटी है। आप अच्छे से समझ लीजिए और आप निश्चित रूप से इस बार रेलवे में लगेंगे दोस्तों, ऐसी हमारी शुभकामना भी है और हमारी हार्दिक इच्छा भी है। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, और इसी समय हम फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।